इसमें किसी भी प्रिजर्वेटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस गाढ़ा अच्छे से पकाया हुआ होना चाहिए और गरम गरम ही आप इसको किसी कांच की बरनी में डाल दीजिए, जिससे कि अच्छा सा सेट हो जाए। 3-4 महीने तक इसको आराम से खाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, भारतीज किचन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपको बताऊंगी आंवले से जैम बनाना। इस तरीके से आप जैम बनाकर आंवले को स्टोर कर सकते हैं और आराम से इसको 4-5 महीने तक खाया जा सकता है। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है। आइए देखते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे बनता है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आंवले से जैम। इसके लिए मैं ले लूँगी 500 ग्राम। मैंने ये आंवले ले लिए हैं, इन्हें धोकर उबाल लेंगे। ले लेंगे 500 ग्राम ही चीनी और ले लेंगे एक दो टुकड़े दालचीनी के और थोड़ी सी इलायची, 4-5 इलायची। ये ऑप्शनल है, ये दोनों आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। और आंवले हमेशा थोड़े से पके हुए यानी पीलेपन लिए हुए होने चाहिए, जिससे कि हमारा जो जैम है वो स्वादिष्ट बने। अगर थोड़े हरे होते हैं तो थोड़ा कसायला सा बनता है, इसलिए आप ध्यान से थोड़ा पीलापन लिए हुए आंवले होने चाहिए। आंवलों को सबसे पहले हम कुकर में 1 सीटी आने तक उबाल लेते हैं और सीटी थोड़ी जल्दी खोल लेंगे, नहीं तो हमारे जो आंवले हैं ज़्यादा कुक हो जाएंगे, ज़्यादा पक जाएंगे। आप चाहें तो भगोनी में भी इसे 10-12 मिनट लगेंगे पका सकते हैं। उबालना चालू करते हैं आंवले। आंवले हमारे अच्छे से उबल गए हैं, 1 सीटी कुकर में लगाकर हमने इनको बॉईल कर लिया है। अब इनको गुठलियों से अलग कर लेंगे क्योंकि हमें इसको अच्छे से मैश करना है जैम बनाने के लिए। गुठलियाँ निकाल लेंगे, इसमें से अलग कर देंगे गुठलियाँ। इन गुठलियों को फेंक देंगे हम। इसी तरीके से सारे तैयार कर लेंगे और अब इन आंवलों को चाहे तो मैशर से मैश कर लेंगे या मिक्सी में पीस लेंगे। सारे आंवलों में से हमने बीज निकाल लिए हैं, अब इसको मिक्सी में बारीक कर लेंगे, बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे इसका। और अब हम इस आंवले के गुदे को गैस पर, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई हमेशा स्टील वाली ही लेनी है, लोहे की कढ़ाई में हमें इसको नहीं बनाना है। और इस गूदे को हम इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ डाल देंगे इसमें चीनी भी और जल्दी से मिक्स करेंगे। और लगातार हिलाते हुए इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसको लगातार हिलाते हुए हमने इसको गाढ़ा होने तक पका लिया है। इसका थोड़ा कलर भी देखिए चेंज हो गया है और देखिए गिराने से आसानी से नहीं गिर रहा है ये, इसका मतलब हमारा ये तैयार हो गया है। आप इसको दूसरी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। एक प्याले में पानी डालिए और उसमें थोड़ा सा ये जैम बना हुआ डालिए और ठंडा जब हो जाए तो देखिए वो जमता हुआ सा दिखे, तो इसका मतलब आपका जैम बनकर तैयार हो गया है। बच्चों को आंवला पसंद नहीं होता है, थोड़ा सा कसायला इसका टेस्ट होता है, लेकिन आप उनको इस तरीके से जैम बनाकर खिलाएंगे तो वो बहुत आसानी से खा लेंगे। आप इसे ब्रेड के साथ, रोटी के साथ या ऐसे ही उनको खाने को देंगे, आराम से खा लेंगे। बहुत ही अच्छा हेल्दी स्रोत है ये आयरन का और विटामिन सी भी इसमें भरपूर होता है। अब इसमें डाल देंगे
ये इलायची पाउडर और डाल देंगे दालचीनी का पाउडर, ये इसके स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। अब गैस बंद कर देंगे और निकाल लेंगे गरम गरम, इसको किसी कांच की बर्नी में, एयर टाइट बर्नी में डाल देंगे। फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गया है हमारा आंवले से आंवले का जैम। इसमें किसी भी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है, बस गाढ़ा अच्छे से पकाया हुआ होना चाहिए और गरम गरम ही आप इसको किसी कांच की बर्नी में डाल दीजिए, जिससे कि अच्छा सा सेट हो जाए। 3-4 महीने तक इसको आराम से खाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बनाकर देखिए आप लोग भी आंवले से जैम और बताएं अपने अनुभव कि आपको कैसा लगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।